प्रदेश में मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में ठंड का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि आज और कल प्रदेश में बादल छाए रहेंगे, जबकि 1 से 3 नवंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिन व रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अभी तो जो आज और कल मौसम जो लगभग ड्राई रहेगा, लेकिन थोड़े से बादल आ सकते हैं। उसके बाद एक नवंबर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रही है, जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में 1, 2 और 3 तारीख को हो सकता है, लेकिन बहुत कम इफेक्ट रहेगा। जो बारिश या स्नोफॉल है वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे होगी, खास करके जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो है 1-2 स्थानों पर जो हल्की बारिश हो सकती है, या ऊपरी इलाकों में जो हिमपात हो सकता है। इससे जो थोड़े जो दिन का टेम्परेचर होगा उसमें भी गिरावट आ सकती है। तो अभी जो टेम्परेचर है वो भी थोड़े कम चल रहे हैं। जो शिमला का टेम्परेचर है वो 10 डिग्री चल रहा है, और जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर है, वो किलोंग में 2 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके होंगे, हाई रिचेज वाले इलाके हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का इलाका है, किन्नौर और चंबा के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर जो है 2 तारीख को 1, 2 और 3 नवंबर में जो है हल्का हिमपात होने की पॉसिबिलिटी।